Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो किस रूप में है और भारतीय समाज को, जैसे हमने साहित्य की बात कही, साहित्य की बात में आपने कहा कि बहुत अच्छा आज भी लिखा जा रहा है, लेकिन बाजार का एक प्रभाव है जो उसको गलत दिशा दे रहा है शायद, या उसका प्रभाव उस रूप में नहीं आ रहा है जिस रूप में आना चाहिए। मैं भारतीय समाज को लेकर आपकी क्या दृष्टि है, और जो हमारा सामाजिक धार्मिक ताना बाना है वह किस दिशा में जा रहा है, उसकी परिणति क्या होगी देश के रूप में, एक समाज के रूप में हमें वो किस दिशा में ले जाएगा और अंत उसका क्या निकलेगा, इस बारे में मैं आपकी स्पष्ट राय चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, झूठ बोलना किसी आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। झूठ बहुत खतरनाक चीज है, झूठ बोलना जी। और जब देश के लिए झूठ बोला जाए तो वो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। और उस झूठ को कोई आदमी झूठ कह रहा है, इस बात को कम से कम जांचना चाहिए। अगर मानना नहीं है, मानने की बात छोड़िए, जांचना चाहिए कि भाई ये आदमी क्यों कह रहा है कि ये झूठ है, जरा इसको जांचो, इसको परखो। कई जगह पर मैंने लिखा भी है और लोगों ने उसको नापसंद भी किया है कि हमारे देश में है ना, विशेष रूप से हिंदी प्रदेशों में बड़ी भयानक समस्याएं हैं। और ये समस्याएं जो है वो क्यों है इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि गैर हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में हिंदी क्षेत्र में ऐसा क्यों है, ऐसा क्या बात है, किस लिए कि जितनी भी हम देखते हैं कि हिंसा है, जड़ता है, अंधविश्वास है, उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर आता है। तो मुझे ये लगता है कि लेखक होने के नाते मेरा सबसे बड़ा काम यह है कि मैं अपने समाज की प्रशंसा ना करूं, है ना, प्रशंसा ना करूं, बल्कि जो कमियां हैं उनकी ओर संकेत करूं। क्योंकि प्रशंसा तो बहुत लोग कर रहे हैं, प्रशंसा करने वालों की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, और आत्म प्रशंसा करना बड़ा आसान काम है ना। ये कहना कि हम विश्व गुरु हैं, है ना, बड़ा आसान है। ये कहना कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, बहुत आसान है, कोई पूछने नहीं जा रहा कि कैसे, है ना। तो वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात होती है ना। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अपने समाज से अगर आपको प्रेम है और आप चाहते हैं कि आप समाज आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि आपके समाज में लोगों की स्थिति बेहतर बने, आप ये समझते हैं कि जनहित में काम हो, एक जो है वो ऐसी व्यवस्था बने जो व्यवस्था सबकी चिंता करे, एक वेलफेयर सोसाइटी बने, है ना जी। मोटी बात है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दर्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वेलफेयर सोसाइटी बने, एक ऐसा समाज बने जहाँ सबका कल्याण। इसके लिए भी आपको सच बोलना पड़ेगा, सच नहीं बोलेंगे आप तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आप झूठ के फेर में रहेंगे ना, झूठ के फेर में रहेंगे तो झूठ में ही उलझे रहेंगे। तो साहित्यकार का काम यह है कि वो अपने समाज और जीवन की उस सच्चाई को सामने लाए, उसके लिए वो प्रताड़ित होगा, उसके लिए लोग नापसंद करेंगे उसको। और मैं जो सवाल पूछता हूँ वो सवाल इसीलिए पूछता हूँ कि उन सवालों पर खुल करके बात होनी चाहिए, या कम से कम मेरे अंदर जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं, है ना, मुझे लग जाए। अब देखिए कि हमने बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो बाहर से ले लिए। आधुनिकता शब्द का जन्म कहाँ हुआ,
बताइए कहाँ हुआ आधुनिकता शब्द का जन्म? हद ये है कि डेमोक्रेसी का जन्म कहाँ हुआ, डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से आया, हमने एक्सप्लोर नहीं किया। हमारे अंदर भारत में जो डेमोक्रेसी थी या हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रहे उनको रिवाइव करने के बजाय हमने विदेश से में क्या एक शब्द ले लिया और हमने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी, हम आधुनिक हैं, हम उत्तर आधुनिक हैं, हम जो है वो उत्तर से भी उत्तर आधुनिक हैं, हम जो है वो रेनेसा हो गया है हमारे यहाँ, पुनर्जागरण हो गया, जागरण तो हो चुका था पुराना, अब पुनर्जागरण हुआ। तो वो मैंने पूछा है कि भाई मुसलमानों के संदर्भ में मुझे बताओ कि इनका जागरण कब हुआ, पहली बात है ना, और अब जो कह रहे हो पुनर्जागरण वो कब हुआ है पुनर्जागरण, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के लिए संघर्ष कर रहे थे तो क्या आप इसको पुनर्जागरण कहोगे, है ना जी। क्या अगर ये है कि धर्मांधता बढ़ रही है तो आप इसको पुनर्जागरण कहोगे, क्या अगर दंगे हो रहे हैं तो आप पुनर्जागरण इसको कहोगे, है ना, किस रूप में? अब आप ये कह सकते हो कि हाँ ये भी था और वो भी था, है ना, तो ये भी था और वो भी था पुनर्जागरण नहीं है। पुनर्जागरण का मतलब ये है कि आपका जो पूरा समाज है वो एक बढ़िया दिशा ले रहा है, एक बेहतर दिशा ले रहा है ना, वो होगा। इक्के दुक्के लोग क्या कह रहे हैं इससे आप पूरे समाज के पुनर्जागरण की बात कर रहे हो, ये मेरी समझ में तो आती नहीं भाई, समझा सकते हैं आप लोग, है ना, लेकिन ये कि वो देखने की बात। इसी तरह से और से बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। देखिए प्रेमचंद ने गोदान में डेमोक्रेसी को लेके काफी डिस्कस किया और आपको मालूम है कि आजादी से पहले बड़ी चर्चा हो रही थी कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी हो, लेकिन हमने बड़ा इजी रास्ता निकाल लिया कि जैसी वेस्ट में होती है हर आदमी को एक वोट दे दो वो हो गई डेमोक्रेसी हो गया, है ना। हमने ये नहीं सोचा कि वेस्ट की डेमोक्रेसी जो है वो 200 साल में अर्जित हुई है, उस अर्जित होने में उन्होंने पूरे देश को पढ़ाया है, पूरा देश साक्षर हुआ है ना। हम पूरे देश को साक्षर तो कर नहीं रहे हैं, हम उसको डेमोक्रेसी दे रहे हैं, है ना सर जी। तो क्या ये छल है, ये इसको क्या मानेंगे आप, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ लोग मान लें बात को, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर अगर आप बात करना चाहो तो बहुत अच्छा होगा, देश के हित में होगा, है ना। विकास का मुद्दा, विकास क्या है भाई, कहीं मैंने लिखा था फेसबुक के ऊपर कि विकास जो है वो एक चांदी की नाली है, चांदी की नाली है जिसको एक तरफ से बनाया और दूसरी तरफ से खोदा जाता है, एक तरफ से बन रही दूसरी तरफ से खोदी बिक रही है, बिक रही विकास है।